नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको ऐसी तीन खास बातें बताने जा रहा हूं जिससे आपके घर के अंदर धन दौलत आएगी भी और रुकेगी भी और उसका सही इस्तेमाल भी होगा। आप जो भी काम करते हैं और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, आपको नए अवसर भी नहीं मिलते, नया काम भी नहीं मिलता और पैसे आने के साधन भी नहीं बनते, तो ऐसे में आपने करना क्या है, जो आपकी अपनी उत्तर की दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को आपने क्लीन करना है। आपके घर के अंदर नॉर्थ की दीवार के साथ नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक जो भी सामान रखा है उस सारे सामान को वहाँ से जरूर हटाएं। चाहे आपने वहाँ पर स्टोर बनाया हुआ है या आपने वहाँ पर कबाड़ डाला हुआ है या वहाँ पर बहुत सारी ईंटें रखी हुई है या आपने अपना नया घर बनाया, जब तक पुराने घर में थे आपकी वर्किंग बहुत बढ़िया थी, आपके पास भरपूर पैसा था और जब से आप नए घर में शिफ्ट हुए तब से आपके पास पैसे आने के साधन कम होते चले गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी आदमी घर बनाता है, कोई भी व्यक्ति घर बनाता है या आपने अपना घर बनाया है, तो घर बनाते समय बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो बच जाता है और उस बचे हुए सामान को अपने घर की एक दिशा में रख देते हैं। जिस घर की नॉर्थ की दिशा में, नॉर्थ वॉल के साथ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में सामान रख दिया जाता है, उस घर में पैसे आने के साधन धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं और व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, मेरा घर पुराने वाला शुभ था और इस घर में आया हूँ, ये घर मेरे लिए शुभ नहीं है, ये घर मेरे लिए अशुभ है। घर कोई शुभ या अशुभ नहीं होता। बनाने का सिस्टम सही हो तो घर शुभ हो जाता है और बनाने का सिस्टम गलत हो तो घर अशुभ हो जाता है। आपने अपना नया घर बनाया है और एज पर वास्तु बनाया है, लेकिन आपने लास्ट स्टेज पर छोटी सी कमी कर दी, जो घर के अंदर एक्स्ट्रा सामान था, जो बिल्डिंग बनाते समय जो मटेरियल बचा वो सारा मटेरियल आपने नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में रख दिया, तो आपके काम नहीं बनेंगे। आप उस सारे सामान को वहाँ से हटाएं, जो बाहर फेंकने का उसको बाहर फेंकें, जो रखने का उसको रखें, लेकिन कहाँ? साउथ वेस्ट कॉर्नर में। साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। होता क्या है, घर के अंदर लकड़ी भी बसती है, पत्थर के टुकड़े भी बसते हैं, टाइल्स भी बसती है और पेंट के डब्बे भी बचते हैं, क्योंकि पेंट होने के बाद जो खाली डब्बे होते हैं या थोड़ा थोड़ा पेंट बच जाता है तो उन सभी को इकट्ठा करके एक जगह रख लिया जाता है। आपने ऐसी गलती की हुई है तो मैं कहूँगा कि आप अपने नॉर्थ के एरिया को, नॉर्थ ईस्ट के एरिया को खाली करें और उस सारे सामान को जो फेंकने का फेंको, जो बेचने का बेचो और जो रखने का उसको साउथ वेस्ट में रखें। ऐसा करने से आपके काम दोबारा से बनने शुरू हो जाएंगे, वही घर आपके लिए शुभ हो जाएगा। ये काम आप जरूर करके देखें, क्योंकि मैं हमेशा ही प्रैक्टिकल बात करता हूँ, उलझन वाली बात बिल्कुल भी नहीं करता, सीधी सीधी बात करनी मुझे आती है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने घर को शुभ बनाना चाहते हैं तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट के भाग को खाली करें। खाली करते ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और यही घर आपके लिए शुभ बन जाएगा। आप मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैंने अपने YouTube चैनल पर लगभग 300 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो भी देख सकते हैं और मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन भी आपके पास समय समय पर आती रहेगी। मेरे को वास्तु विजिट करते हुए 24 साल हो गए हैं और 24 सालों का जो अनुभव है वो अनुभव मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करता रहता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।